आज हम बात करेंगे एक ऐसे डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर की जिनका विजन बहुत अलग था, मॉर्गन स्परलॉक। शायद आप इन्हें सुपर साइज मी वाले डायरेक्टर के तौर पर जानते होंगे। इस फिल्म ने फास्ट फूड इंडस्ट्री को चैलेंज किया और लाखों लोगों का खाने के बारे में सोचने का तरीका बदल दिया। मॉर्गन स्परलॉक का 53 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके पीछे छूट गई है एक ऐसी विरासत जो न सिर्फ सोचने पर मजबूर करती है बल्कि प्रेरणा भी देती है। उनका तरीका सिर्फ तथ्य बताना नहीं था बल्कि असली जिंदगी के तजुर्बों से जुड़ना था। इसी वजह से उनका काम सिर्फ जानकारी नहीं देता बल्कि दिल को भी छूता है। सुपर साइज मी एक एक्सपेरिमेंट था जिसमें मॉर्गन ने 30 दिनों तक सिर्फ मैकडॉनल्ड्स का खाना खाया। नतीजा, उनकी सेहत बुरी तरह खराब हो गई, जिसे उन्होंने पूरी ईमानदारी से दिखाया। लेकिन मॉर्गन की खासियत थी कि वो अपनी कहानी को बड़े सामाजिक मुद्दों से जोड़ पाते थे। इसी वजह से कॉरपोरेट जिम्मेदारी और स्वास्थ्य मानकों पर बातचीत शुरू हुई। उनका काम सुपर साइज मी से आगे भी गया। मॉर्गन ने द ग्रेटेस्ट मूवी एवर सोल्ड में कंज्यूमर कल्चर और मैनसम में पुरुषों की पहचान जैसे दूसरे सामाजिक मुद्दों को भी उसी जोश से उठाया। हर प्रोजेक्ट उनकी कोशिश को दिखाता था कि वो बदलाव लाने के लिए असहज सच्चाई को सामने लाए। मॉर्गन का प्रभाव बहुत बड़ा है। उन्होंने सिर्फ फिल्में नहीं बल्कि मूवमेंट्स बनाए। डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग के उनके निडर तरीके ने दूसरे लोगों को भी सवाल उठाने और कुछ करने के लिए प्रेरित किया। आज जब हम मॉर्गन स्परलॉक को याद कर रहे हैं तो आइए न सिर्फ उनके काम पर ध्यान दें बल्कि उन सवालों पर भी जो उन्होंने उठाए, जो आज भी उतने ही जरूरी हैं। हम अपने आसपास की दुनिया से कैसे जुड़ते हैं, हम स्टेटस को कैसे चैलेंज करते हैं। मॉर्गन के काम को ध्यान में रखते हुए आइए हम जवाब ढूंढते रहें, जिज्ञासु बने रहें और सबसे जरूरी केयर करते रहें। उनकी विरासत सिर्फ उनकी फिल्मों में नहीं है बल्कि उन बातचीतों में भी है जो उन्होंने शुरू की। ये बातचीतें आने वाली पीढ़ियों को भी प्रभावित और प्रेरित करती रहेंगी। थैंक यू मॉर्गन हमें फिल्मों की ताकत दिखाने के लिए। ये ताकत न सिर्फ मनोरंजन की है